राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, राजसी महलों, जीवंत त्योहारों और लुभावने परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिछले 9 वर्षों में जोधपुर आने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान में जोधपुर हवाई अड्डा प्रति सप्ताह 166 उड़ानों के साथ देश के 11 शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए जोधपुर हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव में एक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। भारत के एविएशन सेक्टर ने भी गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज देश में 148 हवाई अड्डे, वाटर एरोड्रोम एवं हेलीपोर्ट संचालित हैं, जबकि 2014 में ये संख्या मात्र 74 थी। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार राजस्थान में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करती आधारभूत अवसंरचना और पर्यटन से संबंधित सुविधाओं के विकास में निवेश कर रही है। इसी कड़ी में 480 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि वर्तमान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा होगा। नया टर्मिनल एक साथ एक बार में 2,500 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। यात्रियों की सुविधा हेतु चेक इन काउंटर की संख्या भी बढ़कर 40 हो जाएगी। साथ ही हवाई अड्डे के नए एप्रन और लिंक टैक्सी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिससे हवाई अड्डे में 12 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही हवाई अड्डे में प्रति घंटा 10 विमानों का संचालन हो सकेगा। टर्मिनल भवन को राजस्थान की कला और संस्कृति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। भवन का अग्रभाग राजस्थानी वास्तुकला से प्रेरित होगा एवं द्वारों की संरचना में राजस्थानी झरोखों के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल की झलक दिखेगी। जोधपुर हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल भवन राज्य के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे हवाई संपर्कता बेहतर होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।